खबर से करने जा रहे हैं। खबर पटना से है। नीतीश कुमार के राज में छात्रों पर पुलिस ने डंडे बरसाए हैं। हजारों की तादाद में छात्र बीएसएससी पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक के बाद पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। जब छात्र प्रदर्शन करते हुए डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोक दिया। इसी के बाद छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई और पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कई कैंडिडेट्स को चोटें भी आई हैं। नीतीश राज में हो क्या रहा है सवाल देखिए। इन तस्वीरों को देखकर कई खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने छात्रों को पीटा। जब ये छात्र अपनी नाराजगी को जताने के लिए सड़कों पर अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय छात्रों को वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल किया। बीएसएससी पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे थे छात्र और कह रहे थे इस पेपर लीक होने के बाद इस पेपर को रद्द कर दिया जाए। तो बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में देखिए छात्रों पर किसी तरह पुलिस चेक के बाद एक डंडे बरसा रही है। हजारों की तादाद में छात्र बीएसएससी पेपर लीक का विरोध कर रहे थे। सड़कों पर पहुंचकर छात्रों की मांग थी कि पेपर लीक के बाद पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। इस मांग पर छात्र जस के तस बने हुए हैं और जब अपने दर्द को बयां करने के लिए सरकार से परीक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से नाराजगी जाहिर करने के लिए छात्र सड़क पर उतरते हैं तो फिर देखिए डाक बंगला चौराहे पर पहुंचते ही क्या हर्ष छात्रों पर किया जाता है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर छात्रों को रोका। इसके बाद आप देखिए छात्र और पुलिस के बीच में झड़प हो गई। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। इसमें कई कैंडिडेट्स को चोटें आई हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। छात्रों का प्रदर्शन ये हम आपको पता से हमारे बदल से आप देख रहे हैं, जहाँ पर पुलिस और छात्र आमने सामने जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर ये छात्र पहुंचते हैं उसके बाद पुलिस के साथ इन छात्रों की झड़प होती है, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। लाठियां भांजी हैं इन छात्रों पर। कई छात्र गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। आखिर पटना में क्या हो रहा है, आखिर नीतीश राज में क्या हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। अगर अपना दर्द छात्र सरकार को ना बताएं तो फिर किसको बताएं। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन ये छात्र कर रहे थे। पटना पुलिस ने लाठी चार्ज किया। कई छात्रों को कस्टडी में भी लिया गया है, कुछ छात्र हिरासत में लिए गए हैं। आदित्य वैभव मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। आदित्य, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, छात्र जब अपने दर्द को बयां करने के लिए, नाराजगी का इजहार करने के लिए छात्र पहुंचते हैं, अपनी मांग उठाते हैं, तो किस तरह छात्रों पर बर्बरता पुलिस की देखी जाती है, ये तस्वीरें सामने। जी बिल्कुल, जहां तक बिहार की बात करें तो बिल्कुल यहां छात्रों का प्रदर्शन एक ऐसी चीज हो गया है जो कि हर कुछ दिन पर देखा जाता है। बड़ी बात यह है कि कई बार बीपीएससी को लेकर होता है ये प्रदर्शन, कई बार बीएसएससी को लेकर होता है ये प्रदर्शन, और ये ठीक वही डाक बंगला चौराहा है जहाँ आकर हर प्रदर्शन लाठीचार्ज में बदल जाया करता है। बड़ी बात यह है कि आज का जो प्रदर्शन था वो पटना कॉलेज के सामने से शुरू हुआ और वहाँ बीएसएससी सीजीएल 3 के एस्पिरेंट्स अभ्यर्थी वहां सारे जुटे थे और उनका प्रोग्राम था कि वहां से वो आगे बढ़ेंगे और जाकर अपनी इस बात स्टाफ सिलेक्शन काउंसिल के सामने रखेंगे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जब जैसे ही उनका हुजूम यहां डाकबंगला चौराहे पर पहुंचा तो वहां पर सामने, ठीक सामने जो बैरिकेडिंग्स लगी हैं उनको कुछ छात्रों ने, कुछ अभ्यर्थियों ने धक्का दिया, ऐसा पुलिस का कहना है। बड़ी बात यह है कि जैसे ही इन बैरिकेडिंग्स पर धक्का दिया गया उसके बाद तुरंत लाठीचार्ज के आदेश दिए गए और तत्काल प्रभाव से काफ़ी लाठियां चटकाई गई, जिसमें बड़ी बात यह है कि कई छात्रों को हल्की चोट भी लगी है। गौरतलब ये है कि इसके बाद से सारे छात्र इसी जगह पर तितर बितर हो गए और उसके बाद वो प्रोटेस्ट नहीं रह गया। लेकिन गौरतलब ये है, बड़ी बात यह है कि बिहार के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाया करते हैं और उसके बाद जब प्रोटेस्ट करने के लिए अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं या अपनी मांग एक साथ एकजुट होकर संबंधित अथॉरिटीज़ के पास रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर जो हाई हैंडेडनेस होता है, जो
पुलिसिया एक्शन नहीं, ये कोई होता ऐसा है, नहीं कि बिहार से ऐसा मामला पहली बार ही आया हो पेपर लीक का आदित्य, और छात्र यही कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया था। देखिए कुछ लोगों के पास क्वेश्चनर पूरा था एग्जाम का, इस पेपर को रद्द कर दीजिए, तो ये तो जायज मांग है छात्रों की। सरकार क्या कह रही है इसमें? जी जहाँ तक सरकार की बात की जाए तो सरकार ने पूरा परीक्षा क्रम रद्द नहीं किया था, बल्कि कुछ संबंधित पालियां रद्द कर दी गई थी। आखिर जिनके सवाल या क्वेश्चन पेपर्स व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, बड़ी बात यह है कि सारे अभ्यर्थियों का यह कहना था कि जब सबने एक साथ परिश्रम किया, जब सबने एक साथ परीक्षा दी, तो आखिर रद्द होने वाली बात में सिर्फ कुछ लोगों के ही परीक्षा को क्यों रद्द किया जाए? अगर रद्द होना है तो पूरे को कर दिया जाए, ताकि एक बार में फिर से दोबारा तैयारी करके वो एग्जाम दे सके और अपना रिजल्ट ला सके। ठीक आदित्य, आप इस खबर पर नजर रखिएगा, अपडेट के लिए हम वापस लौटेंगे। तो कुछ छात्र को हिरासत में भी लिया गया है और कई की हालत गंभीर बनी हुई है क्योंकि उन्हें चोटें आई हैं। आपने